हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होपफुली आप जीएसटी और टैली का सर्टिफिकेशन कोर्स एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। आपके बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, बहुत अच्छा आपका फीडबैक रहा है हमारे फ्री एंड पेड दोनों कोर्सेज के लिए, जीएसटी और टैली के। आपकी बहुत टाइम से डिमांड थी कि सर हमारे लिए जॉब ओरिएंटेड और भी बहुत सारे कोर्सेज लेके आइए कि हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। इसी के लिए आपके लिए एक नया कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, वो है एक्सेल का कोर्स। अभी जब हम कॉमर्स फील्ड में बात करते हैं, किसी भी फील्ड में जॉब कॉमर्स से रिलेटेड, मतलब अकाउंट्स की जॉब कर रहे हैं, आप सीए स्टूडेंट हैं, आगे सीए बन के सीएमए सीएसए इसी भी एमबीए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जीएसटी और फिर बात आती है टैली की। दो कोर्सेज तो हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं। इसके बाद अगर किसी कोर्स की बात आती है तो वो हमारे लिए होता है एक्सेल। एक्सेल कोर्स हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बहुत। अब जब मैं एक्सेल की बात करता हूँ, आपके माइंड में आता होगा कि सर एक्सेल तो हमें आता है, वी नो, हमारे कंप्यूटर में भी एक्सेल है, हम ओपन करते हैं, डेटा फीड करते हैं और ओके है ना, उसमें सीखने वाला ऐसा है ही क्या? यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमें एक्सेल में क्या आता है? डेटा फीड करना आता है, उसका टोटल माइनस करना आता है, एक दो बेसिक फॉर्मूले आते हैं और कुछ भी नहीं। हम एक दो फॉर्मूले को समझ के ही सोचते हैं कि बस एक्सेल यही है, जबकि एक्सेल इतनी बड़ी पावर है, इतना ज़्यादा उसके अंदर ऑप्शंस हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत, मतलब आई वुड से कि एक्सेल अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर नहीं है, आई मीन प्रोग्राम से रिलेटेड। सो एक्सेल के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? अगर आप सीए स्टूडेंट हैं, एमबीए स्टूडेंट हैं, सीएसए स्टूडेंट हैं या सीए बन चुके हैं, तो आपको पता है कि एक्सेल अगर आपके पास है या आप अकाउंटेंट हैं या इसी रिलेटेड किसी भी जॉब में है, तो आपको अगर एक्सेल की बहुत प्रॉपरली नॉलेज है, आप वर्क को बहुत ईजी कर सकते हो। सिंपल नॉलेज करना बहुत, मतलब नॉलेज होना बहुत ही अलग बात होगी कि आपने सिर्फ वहाँ पे डेटा एंटर करा प्लस माइनस, उससे आप कुछ इजी नहीं कर रहे हैं। उससे अच्छा तो आप एक्सेल पे वर्क, उस पर टैली पे वर्क कर लेंगे, बट एक्सेल पे मायने तब रखता है जब आपको सारी उसकी नॉलेज है, फॉर्मूले वगैरह की नॉलेज है। प्लस जब आप कोई सीवी, आप मतलब कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रेज्यूमे अपना सीवी वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उसमें आपकी ये तीन चीज़ें मेंशन है, जीएसटी, टैली और एक्सेल, आई वुड से आपका एक जो सीवी की वेटेज है इन तीन कोर्सेज के कारण 100 times ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर एक पर्सन है जिसकी सीवी में ये तीन चीज नहीं है और आपके सीवी में ये तीन चीज़ें मेंशन है, आपकी जॉब कंफर्म है उस फील्ड में, अगर इससे रिलेटेड है और आपको इसकी बाकी में नॉलेज भी है। सो उसके लिए ही आई वुड से एक बार आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, लिंक चेक करिए, वहाँ पे एक्सेल कोर्स की आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, एक बार गो थ्रू करिए और एक्सेल कोर्स को सीखने के लिए जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। एक्सेल कोर्स भी हमेशा की तरह आपके पास इसमें ऑप्शंस रहेंगे, एट प्रेजेंट दो ऑप्शन है, मे बी थर्ड ऑप्शन लेटर ऑन स्टेज पे आ जाए। एक फ्री कोर्स है और एक आपका पेड कोर्स है, बाद में हो सकता है थ्री कोर्सेज थर्ड कोर्स भी पेड में आ जाए, एडवांस कोर्स। तो आप फ्री करना चाहते हैं फ्री लेके, और अगर आप एडवांस में और ज़्यादा अच्छा सीखना चाहते हैं तो पेड सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो मेरे नेम से मिलेगा, मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के नेम का होगा, वहाँ पे सी ए पी शुक्ता के साइन होंगे, आई मीन मेरे। अब जब मेरे साइन होंगे तो इसमें वैल्यू क्या है? वैल्यू पीयूष गुप्ता की नहीं है वहाँ पे, वैल्यू है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डिग्री की वहाँ पे साइन होंगे उसकी। इसके कारण बेनिफिट मिलता है आपको जॉब में, बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है जब, जैसे जीएसटी टैली आपने ये एक्सेल कर रहे हैं, वहाँ पे सीए की रिकॉग्नाइज साइन होंगे, सो इट मीन्स आपने सीए से पढ़ा है और सीए को इन चीज़ों में एक्सपर्टाइज नॉलेज माना जाता है कि एक्सपर्टाइज नॉलेज है। सो एम्प्लॉयर भी जो आपको जॉब पे रखना चाहते हैं तो वो भी एक बार कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ इस पर्सन को बहुत अच्छी नॉलेज है। उसके बाद में इंटरव्यू में आपको डेफिनेटली बुलाएंगे। हाँ, इंटरव्यू क्रैक करना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली जब आपने कोर्स को प्रॉपरली पढ़ा होगा, इतने अच्छे तरीके से, इतने एडवांस लेवल से आपको पढ़ाया गया है सब चीज़ें, कि इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो जॉब में आपको बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मल्टीपल टाइम्स अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, कोई भी डाउट है कमेंट करिए आप, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इतने सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी लेके आया हूँ, तो वहाँ पे आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।